अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप, और नहीं तो सीधा कह दें कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र ना करें, हमें धोखा ना दें, उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट है जो बैठते टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ, हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया, तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है, ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, और नहीं तो सीधा कह दें कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र ना करें, हमें धोखा ना दें, उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सके और उन्हें किसी पॉइंट पर यह लगे कि समाजवादियों की जरूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी कांग्रेस और जब जरूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत।